तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश आह्वान पे हर उपखंड स्तर पर कलेक्टर जी के द्वारा राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। जो प्रदेश में पिछले कांग्रेस सरकार जब से आई है, जब से दलितों पर अत्याचार जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले पीली बंगा के अंदर जगदीश मेघवाल नाम के व्यक्ति को पीट पीट के लाठियों से मारा गया है। उसके आरोपी भी गिरफ्तार नहीं किए। जब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दिया, प्रेशर दिया, तब जाके उन्होंने चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर चार कल करे हैं। ऐसे ही झालावाड़ में एक दलित समाज की युवती के साथ रेप किया जाता है, उसका गला काट के उसको मार दिया जाता है। कामा में नाबालिग लड़की का रेप किया जाता है, आज तक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार में दलित समाज पर आए दिन हर घंटों में अत्याचार हो रहा है। ये सरकार मौन बन के बैठी है। गृह मंत्री जी घरों से निकलते नहीं है, मुख्यमंत्री जी बीमारी का बहाना बना के अपने बंगले से बाहर निकलते नहीं है। हालात ये, जब इनको वोट बैंक वोट चाहिए होता है तब ये बताते हैं कि दलित समाज मेरा है, और जब दलित समाज मर रहा है, दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, दलित समाज को कोई योजना को लाभ नहीं जा रहा है। आज भी नगर निगम और एडी अपनी हठधर्मता कर रखी है कि दलित समाज की बस्तियों में पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे नियम लागू कर दिए जा रहे हैं कि दलित समाज का व्यक्ति पट्टे के लिए फाइल कहाँ अप्लाई करें। एक तरफ ये कहते हैं गरीब लोगों को दलित समाज की बस्तियों में पट्टे देंगे, यही लिटिगेशन दायर हाईकोर्ट में खुद करवाते हैं, उस पर रोक लगवाते हैं। तो इस तरीके से सरकार ने दलित समाज का शोषण कर रखा है। हम राज्यपाल जी से मांग करते हैं ऐसी नकम्मी निकारी सरकार को बर्खास्त करें, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेगी, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। रविंद्र चौहान, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आज हमने इस कांग्रेस की जो सरकार है इसके खिलाफ में ज्ञापन दिया है। आए दिन इस सरकार के राज में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और बहन बेटियों के साथ रेप के केस हो रहे हैं, परंतु ये सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसी गैली निकम्मी सरकार को हम बर्खास्त की मांग करते हैं महामहिम से, और कानून व्यवस्था सुधरे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा, और उसका खामियाजा प्रदेश राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज किससे मिलने हैं आप? हम कलेक्टर साहब से। ठीक, आपका नाम? चेतन गोयर, अजमेर देहात जिला अध्यक्ष। गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप, और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ड एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।